नमः शिवाय, हर हर महादेव। बोलो गिरिजापति शिव शंकर भगवान की जय। आप सभी पर भोलेनाथ और माँ पार्वती की कृपा सदा सर्वदा बनी। कल के अध्याय में आपने सुना था, राजा चंद्रसेन के राज्य में जब एक छोटे बालक ने भगवान शिव जी का पूजन किया, तब भगवान शिव ने उसको किस प्रकार से सुख समृद्धि प्रदान की है। आज आप सुनेंगे उससे आगे की कथा। तब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, त्रयोदशी तिथि में सायकाल प्रदोष कहा गया है। प्रदोष के समय में महादेव जी कैलाश पर्वत के रजत भवन में नृत्य करते हैं और देवतागण उनके गुणों का स्तवन करते हैं। इसीलिए धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य को प्रदोष काल में नियम पूर्वक भगवान शिव जी की पूजा, हवन और कथा का गुणगान करना चाहिए। दरिद्रता के तिमिर से अंधे और भवसागर में डूबे हुए मनुष्यों के लिए यह प्रदोष व्रत पार लगाने वाली नौका है। भगवान शिव की पूजा करने से मनुष्य दरिद्रता, मृत्यु, दुख और पर्वत के समान भारी ऋण को शीघ्र ही दूर करके संपत्तियों से पूजित होता है। विदर्भ देश में सत्यरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा थे, जो कि सब धर्मों में तत्पर, धीर, सुशील और सत्य प्रतिज्ञ थे। धर्म पूर्वक पृथ्वी का पालन करते हुए उनका बहुत सा समय सुखपूर्वक बीत गया। उसके बाद शाल्व देश के राजाओं ने विदर्भ नगर पर आक्रमण करके उसे चारों ओर से घेर लिया। अपनी पुरी को शत्रुओं से घिरी हुई देखकर विदर्भ राज विशाल सेना को साथ लेकर युद्ध के लिए आया। बलोन्मत्त शाल्व देशीय क्षत्रियों के साथ राजा का अत्यंत ही भयंकर युद्ध हुआ। शाल्वों की बहुत बड़ी सेना मारी गई, परंतु अंत में विदर्भ राज भी उनके हाथ से मारे गए। मंत्रियों सहित उस महारथी वीर राजा के मारे जाने पर मरने से बचे हुए सैनिक भाग खड़े हुए। उस समय विदर्भराज सत्यवर की एक पतिव्रता स्त्री अत्यंत ही शोकग्रस्त होकर रात के समय राजभवन से निकलकर पश्चिम दिशा की ओर चली गई। वह स्त्री गर्भवती थी। सवेरा होने पर धीरे धीरे मार्ग से जाती हुई उस साध्वी रानी ने बहुत दूर का रास्ता तय कर लेने के बाद एक स्वच्छ तालाब देखा और वह उसके किनारे शोभा पाने वाले एक छायादार वृक्ष के नीचे बैठ गई। भाग्यवश उसी निर्जन स्थान में वृक्ष के नीचे ही पतिव्रता रानी ने उत्तम गुणों से युक्त शुभ मुहूर्त में एक पुत्र को जन्म दिया। उसके बाद अत्यंत प्यास से व्याकुल होकर यह सुंदर अंगों वाली रानी जलाशय में उतरी। इतने में ही एक बड़े भारी ग्राह्य ने आकर उसे अपना ग्रास बना लिया। वह बालक पैदा होते ही माता पिता से हीन हो गया और वह भूख प्यास से पीड़ित होकर उस सरोवर के किनारे पर जोर जोर से रोने लगा। वह नवजात शिशु जब इस प्रकार रो रहा था, उसी समय भाग्यवश वहां पर एक श्रेष्ठ ब्राह्मणिया पहुंची। वह भी अपने एक वर्ष के बालक को गोद में लिए हुए आई थी। ब्राह्मणी निर्धन और विधवा थी, घर घर भीख मांगकर जीवन निर्वाह करती थी। उसका नाम उमा था। उस सती साध्वी ब्राह्मणी ने उस राजकुमार को देखा, उसे अनाथ की भांति रोते हुए देखकर उसने मन ही मन विचार किया, अहो, यह तो बड़े ही आश्चर्य की बात है कि यह नवजात शिशु, जिसकी नाल भी अभी तक नहीं कटी है, यहाँ पड़ा हुआ है। इसकी माता कहाँ पर चली गई? न ही इसका पिता है और न ही कोई बंधु बांधव है। यह दीन अनाथ बालक बिना बिस्तर के भूमि पर सो रहा है। यह चांडाल का पुत्र है या शूद्र का है, वैश्य का बालक है या ब्राह्मण का, अथवा यह क्षत्रिय का शिशु है? इसका निश्चय कैसे किया जाए? मैं शिशु को उठाकर अपने सगे पुत्र की तरह अवश्य ही पालन कर सकती हूँ, परंतु यह किस कुल का है, यह न जानने के कारण इसे छूने का साहस नहीं होता है। वह पतिव्रता ब्राह्मणी जब इस प्रकार कह रही थी, उसी समय कोई सन्यासी महात्मा वहां आ गए। ऐसा जान पड़ता था मानो साक्षात शंकर जी हो। उन श्रेष्ठ भिक्षु ने उस स्त्री से कहा, हे ब्राह्मणी, खेद न करो, हृदय के संदेह को दूर करके इस बालक की रक्षा करो, इससे तुम्हें शीघ्र ही परम कल्याण की प्राप्ति होगी। इतना कहकर वे दयालु भिक्षु वहां से चले गए। उनके जाने के बाद ब्राह्मणी ने विश्वास पूर्वक उस बालक को लेकर अपने घर की ओर प्रस्थान किया। उस राजकुमार का ब्राह्मणी ने अपने बेटे के समान ही पालन पोषण किया। एक चक्रा नामक नगर में उस ब्राह्मणी का घर था। वह भिक्षा के अन्न से ही अपने पुत्र और राजकुमार को भी पालने लगी। ब्राह्मणी ने
ब्रह्माणी के तथा राजा के भी पुत्र का संस्कार कर दिया। वे दोनों सर्वत्र सम्मानित होकर दिनों दिन बढ़ने लगे। समय आने पर उनका उपनयन संस्कार हुआ। अब वे दोनों बालक एक साथ रहकर नियमों का पालन करने लगे। दोनों माता के साथ प्रतिदिन भिक्षा के लिए जाते। एक दिन वह ब्रह्माणी उन दोनों बालकों के साथ भीख मांगती हुई दैत्य योग से देव मंदिर में गई। वहां पर बड़े बूढ़े ऋषि मुनि रहा करते थे। उन दोनों बालकों को देखकर परम बुद्धिमान शांडिल्य नामक मुनि ने कहा, अहो, देव का बल बड़ा ही विचित्र है। कर्मों का उल्लंघन करना किसी भी जीव के लिए अत्यंत ही कठिन है। देखो न, यह बालक दूसरी माता की शरण लेकर भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है। इस ब्रह्माणी को ही श्रेष्ठ माता के रूप में पाकर ब्राह्मण बालक के साथ ब्राह्मण भाव को प्राप्त हो गया है। शांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर ब्रह्माणी ने बड़ा ही विस्मय किया। उसने भरी सभा में मुनि को प्रणाम करके पूछा, हे ब्राह्मण, एक सन्यासी के कहने से मैं इस बालक को अपने घर पर ले आई हूँ। यद्यपि अभी तक इसके कुल का पता नहीं लगाया गया है, तथापि मैं पुत्र की भांति इसका पालन पोषण करती हूँ। आप ज्ञान के नेत्रों से देखते हैं, इसीलिए आपसे मैं यह जानना चाहती हूँ कि यह बालक किस कुल में उत्पन्न हुआ है और इसके माता और पिता कौन है। तब मुनि बोले, यह विदर्भ देश के राजा का पुत्र है। इतना कहकर उस मुनि ने उस बालक के पिता के युद्ध में मारे जाने तथा उसकी माता के ग्राह्य द्वारा ग्रस्त हो जाने का सब समाचार सुनाया। यह सुनकर ब्रह्माणी को और भी आश्चर्य हुआ, इसलिए उसने फिर से प्रसन्न किया, हे महामुने, वे राजा संपूर्ण भोगों को छोड़कर युद्ध में क्यों मरे और इस बालक को दरिद्रता कैसे प्राप्त हुई? अब दरिद्रता को पूर्णतः नष्ट करके यह पुनः राज्य कैसे प्राप्त करेगा? मेरा यह पुत्र भी भिक्षा से ही जीवन निर्वाह करता है, इसीलिए इसकी दरिद्रता के निवारण का क्या उपाय? हे महर्षि, यह बताने की कृपा करें। तब शांडिल्य मुनि ने कहा कि इस राजकुमार के पिता विदर्भ राज पूर्व जन्म में पांड्य देश के श्रेष्ठ राजा थे। वे सब धर्मों के ज्ञाता थे और संपूर्ण पृथ्वी का धर्म पूर्वक पालन करते थे। एक दिन प्रदोष काल में राजा भगवान शंकर का पूजन कर रहे थे और बड़ी भक्ति से त्रिलोकीनाथ महादेव जी की आराधना में संलग्न थे। उसी समय नगर में सब ओर बड़ा ही भारी कोलाहल मच उठा। उन शब्दों को सुनकर राजा ने बीच में ही भगवान शंकर की पूजा छोड़ दी और नगर में शोभ फैलने की आशा से राजभवन से निकल गया। इसी समय राजा का महाबली मंत्री शत्रु को पकड़कर उनके समीप ले आया। वह शत्रु पांड्य राज का ही सामंत था। उसे देखकर राजा ने क्रोध पूर्वक उसका मस्तक कटवा दिया। शिव पूजा छोड़कर नियम को समाप्त किए बिना ही राजा ने रात में ही भोजन भी कर। इस प्रकार राजकुमार भी प्रदोष काल में शिव की पूजा किए बिना ही भोजन करके सो। वही राजा दूसरे जन्म में विदर्भ राज हुआ था। शिवजी की पूजा में विघ्न होने के कारण शत्रुओं ने उसको सुख भोग के बीच में ही मार डाला। पूर्व जन्म में जो उसका पुत्र था वह इसी जन्म में भी हुआ। शिवजी की पूजा का उल्लंघन करने के कारण यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। इसकी माता ने पूर्व जन्म में छल से अपनी सौतन को मार डाला था। उस महान पाप के कारण ही वह इस जन्म में ग्राह्य के द्वारा अर्थात मगरमच्छ के द्वारा मारी गई है। मैं सत्य कहता हूँ, परलोक में हित की बात कहता हूँ, शास्त्रों का सार एवं उपनिषदों का हृदय है। इस भयंकर संसार को प्राप्त हुए जीव के लिए ईश्वर के चरणारविंदों की सेवा ही सबसे बड़ी वस्तु है। जो भी मनुष्य प्रदोष के काल में अनन्यचित होकर परमेश्वर के चरणारविंदों की पूजा करते हैं, वे इसी संसार में सदा बढ़ने वाले धन धान्य, स्त्री पुत्र, सौभाग्य तथा संपत्ति के द्वारा सबसे बढ़कर होते हैं। हे ब्रह्माणी, यह तुम्हारा पुत्र पूर्व जन्म में उत्तम ब्राह्मण था। इसी ने सारी आयु केवल दान लेने में ही बिताई है, यज्ञ आदि सत्कर्म नहीं किए हैं, इसीलिए यह दरिद्रता को प्राप्त हुआ है। उस दोष का निवारण करने के लिए अब यह भगवान शंकर की शरण में जाए तो इसका निवारण होगा। फिर ब्रह्माणी ने उन्हें प्रणाम करके शिवजी की पूजा की विधि पूछी। तब शांडिल्य मुनि बोले कि दोनों पक्षों की त्रयोदशी को मनुष्य निराहार रहे और सूर्यास्त से 3 घड़ी पहले स्नान करे, फिर श्वेत वस्त्र धारण करके धीर पुरुष संध्या और जप आदि नित्यकर्म की विधि से
पूरी करके मौन हो शास्त्र विधि का पालन करते हुए भगवान शिव जी का पूजन करे और पूरी विधि विधान के साथ भगवान शंकर की पूजा करते हुए मन ही मन भगवान शंकर का ध्यान करते हुए आवाहन करे, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता आदि की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की अग्नि में जल रहा हूँ, संसार के भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। हे वृषवाहन, मेरी रक्षा कीजिए। हे देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, आप यहाँ पधारिए और मेरी की हुई इस पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। इस प्रकार से पूरे विधि विधान से और मन लगाकर पूरी श्रद्धा से पूजा करने पर इस पूजा को निर्धन मानसिक पूजा करे और जो संपन्न है वह पूर्ण रूप से पूरे विधि विधान से पूजा करे। ऐसा करते ही साधक को वर्ष भर के अंदर ही उत्तम सिद्धि की प्राप्ति होगी। सांडिल्य मुनि का यह वचन सुनकर उस ब्रह्माणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, हे भगवान, आज मैं आपके दर्शन मात्र से कृतार्थ हो गई। ये दोनों बालक आज से आपकी शरण में हैं। हे ब्राह्मण, यह मेरा पुत्र है और इसका नाम सूचीव्रत है और यह राजकुमार है जिसका नाम मैंने धर्मगुप्त रख दिया है। ये दोनों बालक और मैं सभी आपके चरणों के दास हैं। इस घोर दरिद्रता के सागर में घिरे हुए हम सबका आप उद्धार कीजिए। इस प्रकार शरण में आई हुई ब्रह्माणी को अमृत के समान मधुर वचनों द्वारा आश्वासन देकर मुनि ने उन दोनों बालकों को भगवान शंकर की आराधना की मंत्र विद्या का उपदेश दिया। उसके बाद दोनों बालक और ब्रह्माणी मुनि की आज्ञा लेकर वहां से चले गए। मुनीश्वर के उपदेश के अनुसार दोनों बालक प्रत्येक प्रदोष व्रत के दिन पार्वती वल्लभ शिव जी की आराधना करने लगे। इस प्रकार शिव पूजा करते हुए द्विज कुमार और राजकुमार के 4 महीने सुखपूर्वक बीत गए। एक दिन द्विज कुमार राजकुमार को साथ लिए बिना ही नदी के तट पर स्नान करने के लिए गया। वहां पर मौज से देर तक इधर उधर घूमता रहा। वहां झरने के जल के आघात से भूमि कट जाने से उसमें एक गड्ढा हुआ था और उस गड्ढे में एक बड़ा भारी खजाने का कलश चमक रहा था जिस पर ब्राह्मण कुमार की दृष्टि पड़ी। यह देखकर वह सहसा ही हर्ष और आश्चर्य में भरकर उसके समीप गया और उसे देवता के प्रसाद से प्राप्त हुआ मानकर सिर पर लेकर घर की ओर चल दिया तथा घर के भीतर उस घड़े को रखकर माता से कहा, माँ, यह भगवान शंकर का प्रसाद तो देखो, उन्होंने दया करके घड़े के रूप में यह खजाना दिया है। तब उस पतिव्रता ब्रह्माणी ने राजकुमार को भी बुलाकर कहा, पुत्रो, इस खजाने के घड़ों को तुम दोनों आपस में बराबर बराबर बांट लो। माता की बात सुनकर ब्राह्मण के पुत्र को प्रसन्नता हुई, किंतु राजपुत्र ने उससे कहा, माँ, यह तुम्हारे ही पुत्र के पुण्य से प्राप्त हुआ है, इसीलिए मैं इस खजाने को बांट कर लेना नहीं चाहता हूँ। अपने पुण्य से प्राप्त हुए खजाने का ये स्वयं ही उपभोग करे, वे ही भगवान शंकर मुझ पर कृपा करेंगे। इस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक भगवान शंकर की पूजा करते हुए उन दोनों कुमारों ने उसी घर में 1 वर्ष बीत गया। एक दिन राजकुमार उस ब्राह्मण के साथ वसंत ऋतु में वन में भ्रमण करने के लिए गया। कुछ दूर जाने पर उन्होंने सैकड़ों गंधर्व कन्याओं को परस्पर क्रीड़ा करते हुए देखा। उन्हें देखकर ब्राह्मण कुमार ने दूर से ही राजकुमार से कहा, यहाँ से आगे जाना उचित नहीं है क्योंकि उधर स्त्रियां विहार कर रही है। स्वच्छ अंतःकरण वाले विद्वान पुरुष स्त्रियों का सामीप्य त्याग देते हैं। ये रमणीय छल करने वाले तथा वाणी द्वारा अनुनय विनय से करने में कुशल होती है। ये पुरुषों को अपनी दृष्टि मात्र से मोहित कर लेती है, इसीलिए अपने धर्म में तत्पर ब्रह्मचारी कभी भी स्त्रियों के समीप जाकर उनके साथ वार्तालाप नहीं करना चाहते। ऐसा कहकर ब्राह्मण कुमार लौट पड़ा और दूर जाकर खड़ा हो गया, किंतु राजकुमार अकेला ही निर्भय होकर उन स्त्रियों की क्रीड़ा स्थली की ओर चल दिया। उन गंधर्व कन्याओं में से एक ने राजकुमार को आते हुए देख मन ही मन कुछ विचार कर लिया और सखियों से कहा, सहेलियों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक उत्तम वन है, वहाँ विचित्र चंपा, अशोक, पुष्पांग और वकुल के वृक्ष खिले हुए हैं, वहाँ जाकर तुम सब लोग फूल तोड़ो, तब तक मैं यहीं पर बैठी हूँ,
तुम फूलों का संग्रह करके पुनः यहाँ आ जाना। उसके इस प्रकार आदेश देने पर सखिया वन के भीतर चली गई और वह गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाए हुए वहीं पर खड़ी रही। उसे देखकर राजकुमार कामदेव के बाणों से पीड़ित हो गया। गंधर्व कन्या ने अपने पास आए हुए राजकुमार को बैठने के लिए कोमल पल्लवों का आसन दिया और पूछा, हे कमलनयन, तुम कौन हो, किस देश से यहाँ आए हो और किसके पुत्र हो? इस प्रकार पूछने पर राजकुमार ने अपना पूरा परिचय बताया कि मैं विदर्भ राज का पुत्र हूँ। मेरे माता पिता बचपन में ही मर गए हैं। शत्रुओं ने मेरे राज्य पर अधिकार जमा लिया है और मैं दूसरे के राज्य में गुजारा करता हूँ। ये सारी बातें बताकर राजकुमार ने उस गंधर्व कन्या से पूछा, सुंदरी तुम कौन हो, यहाँ तुम्हारा क्या कार्य है और तुम किसकी पुत्री हो? उसके इस प्रकार से पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज कुमार, मैं द्रविक नामक गंधर्व हूँ। उसके इस प्रकार पूछने पर कन्या ने कहा, महाराज कुमार, एक द्रविक नामक गंधर्व है जो समस्त गंधर्व कुल के अगुआ माने जाते हैं। मैं उन्हीं की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमती है। सब सखियों को छोड़कर मैं यहाँ अकेली हूँ। मैं तुम्हारी अभिलाषा जानती हूँ, तुम्हारा मन मुझ में आसक्त हो गया है। इसी प्रकार देव ने मेरे मन में भी तुम्हारे लिए उत्कंठा भर दी है। अब हम दोनों का स्नेह कभी भंग नहीं होना चाहिए। ऐसा कहकर गंधर्व कुमारी ने शीघ्र ही अपने गले से मोती का हार निकालकर प्रेम पूर्वक राजकुमार को भेंट किया। उस अद्भुत हार को देखकर राजकुमार ने पूछा, मीरू, मैं एक बात कहता हूँ, मैं राज्यहीन और निर्धन हूँ, तुम मेरी प्रिया कैसे होना चाहती हो? मूर्ख स्त्री की भांति पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके अपनी इच्छा के अनुसार आचरण क्यों करती हो? यह सुनकर गंधर्व कन्या ने कहा, प्रियतम, आपका यह कहना ठीक है, मैं पिता की आशा के विरुद्ध नहीं करूंगी। आप इस समय घर को पधारे और परसों प्रातःकाल पुनः यही दर्शन दे, आपसे कुछ हमारा कार्य है। इतना कहकर वह गंधर्व कन्या अपनी सखियों के आ जाने से उनके साथ चली गई और राजकुमार भी हर्ष पूर्वक ब्राह्मण कुमार के समीप लौट आया। उसने द्विज पुत्र से सब बातें बताई और उसके साथ घर को प्रस्थान किया। वहां पतिव्रता ब्रह्माणी को भी यह शुभ समाचार सुनाकर राजकुमार ने प्रसन्न किया तथा पूर्व निश्चित समय आने पर वह पुनः द्विज पुत्र के साथ वन में गया। नियत स्थान पर पहुंचकर राजकुमार ने देखा, गंधर्व राज और उनकी कन्या दोनों उपस्थित है। गंधर्व राज ने वहां आए हुए दोनों कुमारों का अभिनंदन किया और सुंदर आसन पर बिठाकर राजपुत्र से कहा, हे विदर्भ राजकुमार, मैं कल कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती जी के साथ महादेव जी के दर्शन किए। देवेश्वर भगवान शिव करुणा रूपी अमृत के सागर है। उन्होंने मुझे बुलाकर सब देवताओं के समीप इस प्रकार से कहा, पृथ्वी तल पर धर्मगुप्त नाम से प्रसिद्ध एक राजकुमार है जो इस समय अकिंचन है। उसका राज्य छिन गया है, शत्रुओं ने उसके देश को अपने अधिकार में कर लिया है। अब वह बालक अपने गुरु की आज्ञा से सदा ही मेरी उपासना में लगा रहता है। उसी के प्रभाव से आज उसके समस्त पितर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो गए हैं। गंधर्व श्रेष्ठ, तुम भी उस राजकुमार की सहायता करो। अब वह शत्रुओं को मारकर अपने राज्य सिंहासन पर आसीन हो जाएगा। महादेव जी के इस प्रकार आज्ञा देने पर मैं अपने घर को आया। यहाँ पर इस मेरी कन्या ने भी तुम्हारे लिए बहुत प्रार्थना की। यह सब परम दयालु भगवान शिव जी की प्रेरणा से ही हो रहा है। ऐसा समझकर मैं इस कन्या को साथ लेकर आया हूँ, इसलिए अपनी पुत्री अंशुमती को मैं तुम्हें पत्नी रूप में देता हूँ और भगवान शिव जी की आज्ञा से शत्रुओं को मारकर तुम्हें तुम्हारे राज्य पर बिठाऊंगा। अपने उसी नगर में तुम अपनी इस धर्म पत्नी के साथ 10,000 वर्षों तक मनोवांछित सुख भोग कर अंत में शिवजी के लोक में जाओगे और यहाँ भी मेरी यह कन्या तुम्हारी ही सेवा में प्रस्तुत रहेगी। इस प्रकार कहकर गंधर्व राज ने उसी वन में राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह करा दिया और दहेज में परम उज्ज्वल रत्नभार भेंट दिए। चंद्रमा के समान चमकीली चूड़ामणि तथा दमकते हुए मोतियों के मनोहर हार दिए, दिव्य आभूषण, वस्त्र, स्वर्ण के बने हुए बहुत से सामान, 10,000 हाथी, 1,00,000 नीले घोड़े और हजारों सोने के बड़े बड़े रथ दिए। अंत में एक दिव्य रथ, इंद्र के धनुष के समान विशाल धनुष,
सहस्त्रों अस्त्र शस्त्र अक्षय बाणों से भरे हुए दो तरकस अमेघ स्वर्ण में कवच तथा शत्रुओं का संहार करने वाली शक्ति समर्पित की। अपनी पुत्री की सेवा के लिए गंधर्व राज ने प्रसन्नचित होकर 5,000 दासियां दी। इतना ही नहीं, राजकुमार की सहायता के लिए उन्होंने अत्यंत उग्र गंधर्वों की चतुरांगिणी सेना दी। इस प्रकार परम उत्तम संपत्ति को पाकर राजकुमार अपनी मनोवांछित पत्नी के साथ बहुत ही प्रसन्न हुए। पुत्री का विवाह कराकर गंधर्व राज स्वर्गलोक में चले गए। धर्मगुप्त विवाह के बाद गंधर्वों की सेना के साथ अपने नगर को गए और वहां पर उन्होंने शत्रुओं की सेना का संहार करके राजधानी में प्रवेश किया। उसके बाद श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मंत्रियों ने मिलकर राजकुमार का अभिषेक किया और वे रत्न में सिंहासन पर आरूढ़ होकर अकंठक राज्य का उपभोग करने लगे। जिस ब्राह्मण पत्नी ने उनका अपने पुत्र की भांति पालन किया था, वही उनकी माता हुई। वह द्विज कुमार ही भाई हुआ तथा गंधर्व राजपुत्री अंशुमती महारानी के पद पर प्रतिष्ठित हुई। भगवान शंकर की आराधना करके धर्मगुप्त विदर्भ देश के राजा हो गए। इस प्रकार दूसरे लोग भी प्रदोष व्रत के दिन गिरिजापति की आराधना करके मनोवांछित कामनाओं को प्राप्त कर लेते हैं और देहवासन होने पर परम गति को पाते हैं। सूत जी कहते हैं कि जो प्रदोष व्रत के परम अद्भुत पुण्य के महात्म्य को उस व्रत के दिन शिव पूजन के बाद एकाग्रचित होकर सुनता अथवा पढ़ता है, उसे 100 जन्मों तक कभी भी दरिद्रता नहीं होती और अंत में वह ज्ञान के ऐश्वर्य से युक्त हो भगवान शंकर के परम धाम को पाता है। बोली पार्वती पति शिव शंकर की जय। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। हर हर महादेव।